नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे UPPCS का जो जनरल स्टडीज का पेपर टू होगा मेंस का, उसका क्या क्या सिलेबस है और उसके लिए क्या क्या बुक्स पढ़नी है, क्या क्या ऑनलाइन रिसोर्सेज है, कौन कौन से वीडियो देखने हैं, सारा कुछ। ठीक है, ये अभी 2018 वाला जो आपका आया था ये PDF नोटिफिकेशन, उसी को लिया है मैंने। यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जैसे GS1 का मैंने पूरा बताया था, पूरा अलग अलग बाइफरकेट करके, मतलब सेग्रीगेट करके सॉरी, कि क्या क्या करना है आपको, वैसे ही इसमें बताएंगे। उससे पहले एक बात ये समझ लीजिए कि जो इसका सिलेबस है GS2 का UPSC से इसमें भी ज़्यादा है और काफ़ी चीज़ें ज़्यादा हैं, इसीलिए थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा जो भी पेड ग्रुप वाले लोग हैं। हालांकि बुक्स तो इसमें मैं बता सकता हूँ, लेकिन एक दो बुक से ज़्यादा कई सारे जो हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज की मदद लिए बिना हो ही नहीं सकता ये पेपर। आप पहले ये देखिए कि टॉपिक क्या क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें वही सब चीज़ें हैं कि हिस्टोरिकल क्या क्या, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, फीचर क्या क्या है, अमेंडमेंट क्या क्या है, कौन कौन से सिग्निफिकेंट प्रोविज़न है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, रोल क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस आते हैं बार बार, जिनमें कि सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिट करता है, वो सभी चीज़ें भी आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे राइट टू प्राइवेसी अभी आ गया कि वो एक फंडामेंटल राइट है, 377 आ गया, बहुत सारी चीज़ें जो आपकी आई हैं वो सारे के सारे चीज़ें आएंगी इसमें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस पॉलिटी, मतलब सब रिलेटेड है ये सब चीज़ें। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं ये। फिर इसके बाद है फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर कैसे हो रहा है और कैसे आप फाइनेंस करेंगे लोकल बॉडीज़ को, और चैलेंजेस जो हैं वहाँ पे, लोकल बॉडीज़ मतलब म्यूनिसिपलिटी और आपका जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो है ये टॉपिक UPSC में नहीं था, रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, लेकिन ये UPPCS में है, मैंने एक एक वर्ड टू वर्ड इसमें कंपेयर किया है। फिर उसके बाद है सेपरेशन ऑफ पावर, वही सब चीज़ें जो है सेम टू सेम है कि क्या क्या, कैसे लेजिस्लेटिव की पावर अलग है, जुडिशरी अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, सबका सेपरेशन ऑफ पावर है, बैलेंस ऑफ पावर वाला कॉन्सेप्ट है, वो सब चीज़ें कैसे कैसे डिस्प्यूट रिजॉल्व होते हैं, कंपैरिजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरी जितनी भी कंट्रीज हैं उनके जो है कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक, उसके बाद जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का फंक्शनिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने देखा है जितने भी ये वर्ड, ये जितने भी सिलेबस हैं सारे में फंक्शनिंग जरूर पूछी, तो इसके फंक्शन जरूर आपको पता होने चाहिए, लिखना आना चाहिए, मेन बात ये है। फिर उसके बाद देखिए ये जितना भी एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शनिंग है, मिनिस्ट्रीज़ हैं, प्रेशर ग्रुप हैं, ठीक है, और आपका क्या रोल है उनका पॉलिटी में, PIL क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए PIL वाला जो है ये शब्द उसमें नहीं लिखा था UPSC वाले सिलेबस में। ठीक है, फिर इसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अब देखिए इसमें अगर आप सिलेबस को एक एक करके गूगल से देखें तो सारी चीज़ें वैसे तो मिल सकती हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वाला है वो आराम से वेबसाइट में मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा। फिर उसके बाद है कई सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनकी पावर क्या है, फंक्शन क्या है, ये सारा का सारा लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। नीति आयोग का कैसे क्या क्या इवेल्युएशन है हुआ है, कैसे कैसे फंक्शन करता है वो, गवर्नमेंट की पॉलिसी और उनका क्या क्या जो है इंटरवेंशन रहता है बहुत सारे सेक्टर्स में, और उनको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, क्या क्या डिज़ाइन है। अब देखिए यहाँ पे ICT वाला जो टर्म है वो नया है UPPCS में। UPPCS में मतलब सिलेबस लगता है पूरा का पूरा जो है फोकस सिलेबस पे ही किया गया है, इतना फोकस अगर एग्ज़ाम के रिजल्ट और इन सब चीज़ों में प्रोसेस सही करने में करते तो आज क्या हालत होती UPPCS की। फिर उसके बाद है डेवलपमेंट प्रोसेस, NGO क्या है, SSG क्या है, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, डोनर चैरिटी, ये सब। फिर ये गवर्नमेंट स्कीम हो गई, वेलफेयर स्कीम जो हो गई जितनी भी हैं सारी की सारी हैं। फिर उसके बाद जो इश्यूज़ हैं आपके ह्यूमन रिसोर्सेज से, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीज़ें। अब मैं बताऊंगा लास्ट में क्या करना क्या है, पावर्टी और हंगर हो गया, उनका क्या क्या इम्प्लीकेशन है, ये अलग टर्म जोड़ दिया है। ठीक है, इम्प्लीकेशन ऑन बॉडी पॉलिटिक, तो ये सब चीज़ें अलग है थोड़ी। फिर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या क्या हैं, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के, ई गवर्नेंस एप्लीकेशन, ये सारा का सारा है ये सब चीज़ें। रोल क्या होता है आपका सिविल सर्विसेज का, सिविल सर्विसेज का क्या क्या रोल होता है डेमोक्रेसी में, और वो भी क्या है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड्स। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो बीच में ये इन लोगों ने जो ऐसे ये सेंटेंस को बढ़ाया है, ये ऐसा नहीं कि ऐसे ही कर दिया है, काफ़ी सोच समझ के किया गया होगा।
अब इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, इंडिया और उसकी रिलेशनशिप नेबरिंग कंट्रीज से, ठीक है, फिर बाइलेटरल, ट्राइलेटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग, ये सारी चीज़ें हो गई, इफेक्ट क्या क्या है पॉलिसीज से, पॉलिटिक्स का क्या क्या इफेक्ट होता है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ का इंडिया के इंटरेस्ट पे, ठीक है। और फिर लास्ट में है इम्पॉर्टेंट जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ये सब कुछ जितना भी है उनका मैंडेट स्ट्रक्चर, अच्छा यहाँ पे फंक्शनिंग भी है, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। तो जो UPPCS का सिलेबस है इसमें फंक्शनिंग पे बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है, और लास्ट में क्या है स्पेशल नॉलेज ऑफ यूपी, मतलब पॉलिटिकल क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, यूपी में कैसा स्ट्रक्चर है, रिवेन्यू क्या सिस्टम है, ज्यूडिशियल सिस्टम क्या है, करंट अफेयर्स, और जो है आपकी रीजनल, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब देखिए वैसे ये जो GS2 वाला पेपर है इसमें क्या क्या है, मेनली पॉलिटी है, गवर्नेंस है, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे मेनली, ठीक है, और सोशल जस्टिस कहीं कहीं बात हुई है, क्योंकि स्कीम की भी बात करिए ना। इसके लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, देखिए स्टैटिक पोर्शन एक है और एक है इसमें डायनामिक पोर्शन। स्टैटिक का मतलब है कि पहले आप बेसिक अपना क्लियर कर लो तभी उसको करंट से आप रिलेट कर सकते हो, वरना नहीं कर पाओगे। तो आपको बेसिक तो क्लियर करना पड़ेगा, बेसिक कहाँ से क्लियर करोगे, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी आती है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, आप जो भी ले लीजिए, मेरे हिसाब से 5th edition भी ठीक है, 6th edition मिल जाए तो वो ले लीजिए, जो भी मिल जाए, ठीक है। और उसके बाद है कि ये कि अब जैसे आप ये जितने भी शुरू के जो टॉपिक्स हैं इन सब का तो लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, जैसे कौन कौन सा मिल जाएगा आपको, रोल क्या है फाइनेंस कमीशन का, आराम से सब मिल जाएगा, ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं यूनियन स्टेट के, जितना भी ये वाला चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला जो है ये डायनेमिक से करना पड़ेगा आपको करंट से मिला के, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है, कंपैरिजन जो है ये अलग से टॉपिक करना पड़ेगा, तो ये गूगल से करना पड़ेगा, पेड वालों को मैं अलग से नोट्स बना के दूंगा इसके। फिर ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, PIL, ये सब सारा का सारा ये लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, इवन ये वाला भी मिल जाएगा, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वरना आप आराम से गवर्नमेंट की साइड पे जाके भी देख सकते हैं। तो पहला रिसोर्स क्या हो गया आपका, अब बाकी ये जो पॉलिसी वॉलिसी वाला हो गई, जो स्कीम आएंगी, ये तो करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें हैं कि जो भी मान लीजिए जितने भी आपके नंबर आ रहे हो, आप अगर तैयारी करेंगे, या देखिए GS प्लस करंट अफेयर की तैयारी मेनली करनी है, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो 2018 के, चाहे प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, GS प्लस करंट अफेयर से ही तैयारी करिए, अगर आपका हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, मेंस आप दे लीजिएगा आंसर राइटिंग करके एकदम से, वरना 2019 तो है ही, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा रिसोर्स मैंने बताया आपको लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है वो आप ले सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है, एक PRS इंडिया करके वेबसाइट होती है, उसमें क्या है, उसमें जितने भी एक्ट हैं, ठीक है, जितने भी मान लीजिए वो लोकसभा में राज्यसभा में जो भी एक्ट पारित हुआ उसके क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या डेट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें, उसके क्रिटिसिज्म क्या है, ये सब चीज़ें ये मिल जाएगा आपको PRS इंडिया में, ठीक है। उसके अलावा एक तीसरा रिसोर्स क्या है, ARC की जो रिपोर्ट है 2 वाली, इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन कंप्लीट रिपोर्ट को कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसके जो रिकमेंडेशन है वो थोड़े थोड़े आप याद कर सकते हैं ज़रूर, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा रोल है यहाँ पे करंट अफेयर्स का रोल है इस वाले पेपर में, करंट अफेयर के लिए क्या है कि द हिंदू के जो एडिटोरियल्स आते हैं बड़े बड़े वाले, बहुत बड़े से होते हैं वो, और उसको ज़रूर पढ़ा करिए, एडिटोरियल प्लस ओपिनियन जो होते हैं, दो तीन जो तो होते हैं ओपिनियन, एक होता है डेली बड़ा सा एडिटोरियल, या तो आप ये करा करिए इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो, और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए पहले सुन लीजिए, फिर आपका है द बिग पिक्चर आता है एक राज्यसभा में, और इंडियाज़ इंटरनेशनल, ये इंडियाज़ वर्ड करके एक आता है राज्यसभा में, ठीक है, इंडियाज़ वर्ड वो है आपका इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, बढ़िया चीज़ है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है वो, और ये सब चीज़ें हो गई आपकी ये, और प्लस राज्यसभा की कुछ स्पेशल रिपोर्ट और काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। मैं आपको क्या करूँगा, जो फ्री वाले लोग हैं हमारे साथ उनको एक ओनली यूपी जो सॉरी इसमें नहीं जो हमारा ये वाला ग्रुप है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जा पाते हैं तो कम से कम आपको टेलीग्राम में तो मिल जाएगा, सारे के सारे मैं जो रिलेवेंट वीडियोस हैं हमारे वो मैं यहाँ पे शेयर करता रहूँगा। पेड वालों को तो वैसे भी सब कुछ पेड जो PDF है वो सब कुछ मिल जाएगा, आंसर राइटिंग वहीं पे होगी, पेड वालों के लिए कुछ करना नहीं, बस आप सुन लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब हिंदी मीडियम के लिए जो करंट अफेयर के लिए क्या कर सकते हैं आप, सबसे पहले एक AIR इंडिया का वेबसाइट है उसमें डेली देखिए
एक सामायिकी आता है। सामायिकी प्रोग्राम का मतलब होता है, अब देखिए जैसे द हिंदू में जो बड़ा सा एडिटोरियल आता है ना, मतलब डेली एक मुद्दा लेते हैं, उसमें कई सारे लोग यहाँ पे सामायिकी में तीन चार दो तीन लोग मिलके वहाँ पे डिस्कशन करते हैं, तो वो आप सुना करिए डेली AIR का होता है, उसकी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा ठीक है। और इसमें एक आता है देश देशांतर आता है राज्यसभा में, ये दो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये करंट अफेयर्स के लिए आप यही कर सकते हैं, ये द हिंदू तो इंग्लिश में नहीं, हिंदी में आता नहीं है, कोई भी एक प्रोग्राम आप पेपर लीजिए, दैनिक जागरण ले लीजिए, हिंदुस्तान ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, उसका जो एडिटोरियल वाला पेज है ना वो पूरा पढ़ा करिए ठीक है, उसमें समझा करिए क्या चीज़ बोल रहा है, क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है ठीक है। और उसकी जो मंथली समरी है जैसे विजन IAS की आती है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, वो जो करंट अफेयर की मंथली समरी होती है ना वो पढ़ना मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। बाकी जो मंथली समरी होती हैं जैसे इनसाइट वाले भी देते हैं, प्लस IAS बाबा की भी मंथली समरी आती है, यही बस मुझे पसंद है जो सही बात रेलेवेंट है UPSC और स्टेट UPPCS के लिए भी। बाकी बहुत सारे मार्केट में प्लेयर हैं, अगर आपको कोई और भी समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, शायद मुझे पता ना हो या फिर मैंने ना देखा हो, मैं यही रिकमेंड करता हूँ ठीक है। तो ये है चीज़ें, अब देखिए एक चीज़ मैंने बताया ऑल इंडिया रेडियो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी लिंक दे दूंगा मैं आपको डेली, यहाँ पे एक आता है हिंदी में सामायिकी और वही चीज़ आती है इंग्लिश में न्यूज़ एनालिसिस करके, तो अगर आप हिंदी में सुनना चाहते हैं तो उसी चीज़ को हिंदी में सुन सकते हैं, इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो इंग्लिश में सुनिए, डेली सुना करिए इसको, 8-10 मिनट का आता है, 10 मिनट का आता है हिंदी में और 12-13 मिनट का आता है इंग्लिश में ठीक है। तो ये दो आपको डेली, जो डेली का टॉपिक है उस पर पूरी डिटेल एनालिसिस यहाँ पर बता दी जाती है, तो ये हो गया। प्लस PRS इंडिया की जो वेबसाइट है उससे मंथली आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका मैं क्या करूँगा, मैं वीडियो भी दे दूँगा क्योंकि वो बड़े एक्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी समरी दे दिया करूँगा, मैं समरी बनाना चालू करूँगा बहुत जल्दी, यहाँ पे पेड वालों को PDF मिल जाएगी और प्लस बाकी जो चीज़ें वो सब भी मिल जाएंगी ठीक है। अगर मान लीजिए वीडियो नहीं भी मिल पाया तो पेड में मैं वॉइस समरी ज़रूर दे दूँगा। दूसरी बात है सुप्रीम कोर्ट के जितने भी केसेस होते हैं उनको ज़रूर फॉलो किया करिए, ये वाले केसेस नहीं, पॉलिटिकल वाले नहीं, जो मतलब सही बात मान लीजिए कोई अगर जैसे ट्रिपल तलाक चल रहा है तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए इस टॉपिक पे, मैं एक टॉपिक का लेके बताता हूँ, कोई भी टॉपिक आप पढ़िए जैसे ट्रिपल तलाक है मान लीजिए कि क्या हिस्ट्री है इसकी ठीक है, क्यों इस पर विवाद है। दूसरी बात है सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है, उसके बाद रिलीजियस वाले लोग क्या कह रहे हैं, तो प्रोज कॉन्स क्या है ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट इससे कैसे रिलेटेड है ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया इसके लिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला, 360 डिग्री एनालिसिस पता होनी चाहिए आपको ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो आपको उसके प्रो और कॉन दोनों का पता होना चाहिए, वे फॉरवर्ड भी पता होना चाहिए। मान लीजिए आधार के बारे में बात करें, अगर आप आधार में ये है कि कुछ लोग इसके सपोर्ट में है कुछ लोग इसके अगेंस्ट में है, आपको दोनों में रहना है ठीक है। एक सिविल सर्वेंट को एकदम न्यूट्रल की तरह सोचना चाहिए कि आपके सामने एक आधार है, आप एक मतलब आप ये मान लिया करो कि आप अर्थ के हो ही नहीं, दूसरे ग्रह के हो ठीक है, दूसरे ग्रह के हो आपके सामने, तो आपको अर्थ की प्रॉब्लम से कोई मतलब ही नहीं है, आप किसी की साइड ना लो। आधार के प्रो क्या हैं, क्या क्या इससे फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, कैसे कैसे इसका हिस्टोरिकल इवॉल्वमेंट हुआ है, क्या क्या कौन कौन सी अब गवर्नमेंट ने क्या क्या किया ये नहीं, कैसे कैसे हिस्टोरिकली इवॉल्व हुआ है ये चीज़। फिर जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको यूज़ करना है बस यहाँ पे, BJP कांग्रेस ये थर्ड फ्रंट नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या यहाँ पे किया है, कैसे कैसे किया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला है, जो सिविल सोसाइटी वाले लोग हैं वो क्या क्या बोलते हैं कि क्या इससे भंग हो रहा है, प्राइवेसी भंग हो रही है, ये हो रहा है, तो पूरा आपके पास इसकी एनालिसिस होनी चाहिए ठीक है। कोई भी टॉपिक आप पढ़िए उसको, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, मेरा तो ये कहना है आपसे जितना भी चीज़ें लिखी हुई हैं पहले एक बार गूगल से कर करके उनको ज़रूर पढ़ लीजिए, सब कुछ मिलता है गूगल विकिपीडिया पे, जो भी हमारे पेड ग्रुप में भी हैं सारा कुछ मैं गूगल से ही ढूंढ के लाता हूँ ठीक है। कोई मैं ऐसा पहला नहीं हूँ कि मुझे सब कुछ पहले से ही पता है, सारा कुछ ये सब मैं वैसे भी पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन फिर से इसको जब मैं बताऊँगा वीडियो बनाऊँगा सब कुछ पढ़ूँगा फिर उसको देखूँगा। मैं एक आर्टिकल को मान लीजिए मुझे एक वीडियो टॉपिक वीडियो बनाना है तो मैं उसको कम से कम 10-15 जगह पढ़ता हूँ कि मेरे कोई भी चीज़ें छूट ना जाएँ ठीक है। आपको ये नहीं करना है, आप बस उस आर्टिकल को फॉलो कर लीजिए, लेकिन ये ज़रूर है कि जो भी आप GS2 में जैसे कुछ नोट्स अगर बना रहे हैं तो जो भी करंट वाले टॉपिक हैं, जो वल्नरेबल सोसाइटी है, जैसे कुछ स्कीम्स हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, आप उसमें सिर्फ नोट्स इतना बनाइए, कोई भी चीज़ हो, कोई गवर्नमेंट स्कीम है मान लीजिए उसको भी, कि क्या मतलब क्या हुआ है, उसके क्या क्या फैक्ट क्या क्या हैं, क्यों हुआ है, क्या क्या उसके रीजंस क्या क्या हैं, कॉजेज़ क्या क्या हैं, और प्रो में क्या है, अगेंस्ट में क्या है ठीक है, प्रो कॉन्स दोनों,
वे फॉरवर्ड क्या है, आपका क्या राय है उसमें, ये भी आपको जरूर अपना राय जरूर ओपिनियन जरूर देना होता है वहाँ पे, और गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, ये सब चीज़ें कैसे हमारी सोसाइटी को फ़ायदा हो सकता है, सब कुछ ही ठीक है। तो पूरा एकदम बैलेंस्ड होके यहाँ पे अगर आप सोचेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो ये कुछ रिसोर्सेज हो गए यहाँ पे। अब RPA एक्ट है जैसे, और गवर्नेंस वाली चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें मैंने बताया आपको नेट से भी मिल सकती हैं। हालांकि आप हमारे वीडियो फॉलो करते रहेंगे तो सारा कुछ वीडियोज़ जो हमारे फ्री हैं वो फ्री ही रहेंगे। PIL बार बार, कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बार बार कर देते हैं, और कोई काम नहीं है तो बार बार किसी न किसी, मतलब कई बार तो ऐसे ऐसी चीज़ों पे भी PIL हो जाती है कि PIL के बारे में न्यूज़ पढ़ रहा था, मुझे तो लग रहा था कि क्या और कोई काम है ही नहीं क्या यहाँ पे। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और परेशान रहता है कि PIL और हो गई है, हालांकि ये उनका अपना इंटरेस्ट है, लेकिन हमको ये ज़रूर पता होना चाहिए PIL होती क्या है, कैसे इसकी हिस्ट्री क्या क्या इवॉल्व हुआ है, आखिर ये क्यों यूज़ होती है, मतलब क्रिटिकल एनालिसिस ज़रूर आप करिए। कोई भी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको अपने मन में जब भी आप मतलब पूरा पढ़ लें उसको, एक बार आंख बंद करके 2-4-5 मिनट उसको अपने मन को ज़रूर समझा लीजिए, मतलब अपने आप को समझा लीजिए, आपस में ही अंदर ही अंदर बात करिए कि देखिए ये टॉपिक, मतलब मान लीजिए आप अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि देखिए ट्रिपल तलाक ये है, उसकी हिस्ट्री क्या थी, क्यों किया गया उसको, वुमेन एम्पावरमेंट कैसे होगा, क्या क्या उसमें डेवलपमेंट है, किसका क्या रोल है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल रहे हैं, अगर हमको मान लीजिए पूछा गया तो, मतलब सारा कुछ आपके पास कीवर्ड्स होने चाहिए। यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है वो ऐसे ही आएंगे, तो जो कीवर्ड्स हैं उनको आप नोट कर लिया करिए और उसी को बार बार पढ़िए, वही सब चीज़ें जो हैं वो राइटिंग प्रैक्टिस में फिर करके देखिए ठीक है, और फिर लास्ट में जो चीज़ें हैं वही सब काम आएंगी ठीक है। फिर उसके अलावा जैसे कई सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, वेलफेयर स्कीम, ये जो आपके जितना भी है ये, और जितनी ये जो आपके ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे, एक सेकेंड रुकिए, ये जैसे बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं ठीक है, कहाँ गया एक मिनट, हाँ देखिए जैसे ये वाला जो पॉइंट है 14 नंबर वाला, अब इसमें देखिए क्या लिखा है, इश्यूज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्सेज। अब इसमें क्या है कि जो लेटेस्ट जितनी भी रिपोर्ट है, NSSO की रिपोर्ट होती है ठीक है, नीति आयोग की रिपोर्ट होती है, फिर ये आपका और भी कई सारी रिपोर्ट होती हैं, जो ये जो आपने देखा होगा कई बार SRS सर्वे होता है, सैम्पल रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम सर्वे होता है, तो इन सब का जो डेटा है आपको उसको क्रैम करना पड़ेगा ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही पड़ेगा, ये तो ये ज़रूर करिएगा यहाँ पे। और जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं वो तो मैं वैसे भी करंट में करवा देता हूँ, लेकिन अगर आपको मान लीजिए आप क्वेश्चन में पूरी जो बॉडी है क्वेश्चन की उसमें अगर आप ये फैक्ट भी लिखेंगे प्लस जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो सब चीज़ें लिखेंगे प्लस किसी एजेंसी का अगर आप रेफरेंस देंगे ठीक है, तो ये सब चीज़ें बड़ा अच्छा माना जाता है, और उसको फिर किसी ना किसी तरह इस वाले पेपर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल से, DPSP से, कोई फंडामेंटल राइट है, इन सब से अगर आप वहाँ पे अपने आंसर को किसी ना किसी तरह इसमें मतलब रेफर करेंगे, कहीं ना कहीं इसका मतलब लिखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो ये सब जो रिपोर्ट है इनकी स्टेटिस्टिक्स है, हेल्थ की हो गई, एम्प्लॉयमेंट की हो गई, वुमेन की हो गई, वुमेन का क्या क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, एडुकेशन की क्या स्टेटस है, पावर्टी का क्या क्या है, और किसने किसने रिपोर्ट दी थी, इस समय क्या है, लेटेस्ट क्या है, ये सब चीज़ें हैं ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा इसमें। उसके बाद आपको जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर कई बार कुछ कमीशन बने हुए हैं, पूंछी कमीशन बना हुआ है, पूंछी जो है सरकारी कमीशन बना हुआ है, कैसे कैसे उसको इवॉल्व हुआ है, ये सब दिया हुआ है लक्ष्मीकांत में हालांकि, लेकिन आप थोड़ा पढ़ के समझिए जरूर इसको ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कुछ जो टॉपिक्स हैं वो हमेशा चर्चा में रहते हैं, जैसे मान लीजिए डेथ पेनल्टी किसी को दे दी गई ठीक है, और जितना भी मतलब जो करंट अफेयर है मेरे हिसाब से तो आप कम से कम 1.5-2 साल का जरूर कर लीजिए, क्योंकि कोई अब UPPCS का भी कोई भरोसा नहीं है, प्री में आपने देखा था 2-3 साल पुराने तक की करंट अफेयर पूछे हैं, 1.5-2 साल का आप करंट अफेयर यहाँ पे देखिए। इंटरनेशनल के लिए क्या करिए आप, इंटरनेशनल के लिए देखिए मैंने कई सारे यहाँ पे टॉपिक हैं जिन पे ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए जो बेस्ट रिसोर्स क्या है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की साइट है, मैं तो वहीं से डेटा लूँगा पूरा, वैसे भी लेता हूँ वहाँ पे। अब इंडिया के जो जैसे जहाँ जहाँ जिस जिस कंट्री से रिलेशन है, पहली बात तो इंडिया के नेबर वाले जितने हो गए ठीक है, फिर जो मेजर कंट्री हो गए, US हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, इसराइल हो गया, इन सब से इंडिया की जो हिस्ट्री है उनकी, कि मतलब इंडिया फ्रांस रिलेशन की हिस्ट्री, इंडिया US रिलेशन की हिस्ट्री, ये सभी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि बेसिक अगर आप स्टैटिक अपना क्लियर नहीं करेंगे पोर्शन तो जो उसके लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं वो कैसे आप बता सकते हैं। रफेल डील जो है, अब रफेल डील किसके साथ है, क्या उसमें हुआ था, इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन ये ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या सब चीज़ें चल रही हैं, फ्रांस के साथ हमारे रिलेशन कैसे थे,
तो ओवरऑल एक बैलेंस्ड आपको, मतलब ये नहीं कि रफेल डील में इंजन कौन सा लगा था, किस कंपनी का लगा, ये सब नहीं। मेजर जो चीज़ें हैं रफेल डील में, जैसे क्रिटिसिज्म हो रहा है वो कितना बेनिफिशियल है इंडियन पॉलिटिक्स के लिए, तो ये जो एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ये सब करना पड़ेगा आपको। उसके लिए ये है कि जो भी आपके इंडिया के रिलेशन है जितनी भी कंट्रीज के साथ, उसकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। वो मिल सकती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, या फिर कुछ बुक्स आती हैं, कुछ नोट्स हैं कई सारे इस पर पड़े हुए हैं। तो ये सब, जैसे मान लीजिए डोकलम विवाद हुआ था चाइना के साथ, तो उसमें ये नहीं कि बस डोकलम आप पढ़ रहे हैं इंडिया चाइना का। वैसे तो इंटरनेशनल रिलेशन में वही सब चीज़ें पूछते हैं जो करंट में होती है। मान लीजिए चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है, तो अब उसमें पूछ सकते हैं कि क्या क्या है उसमें, ईरान के साथ कैसे हमारे रिलेशन है, क्यों बनाया जा रहा है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उससे हमको क्या फ़ायदा होने वाला है, कैसे ट्रेड बढ़ेगा, कैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी हमारा जो ईरान के साथ क्या क्या रिलेशन रहा है, वो सब चीज़ें भी, तो हिस्ट्री ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे हिस्ट्री आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल जो अफेयर्स है या तो उससे मिलेगी, और या फिर आप, मैंने बताया आपको राज्यसभा में एक प्रोग्राम आता है इंडियाज़ वर्ल्ड, उसको ज़रूर देखा करो, ठीक है। और एक आता है राज्यसभा में ही इंटरनेशनल न्यूज़, हर वीकली आती है, उसको देखा करो, बड़ा अच्छा है वो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और बाकी जो आप पढ़ते हैं वो सब तो पढ़ते ही रहिए, जो डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मंथली ज़रूर पढ़िए, ये सब चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी मैंने आपको बताया, जैसे कि बाकी जो मेन यहाँ पे पोर्शन है वो है आपका राइटिंग प्रैक्टिस ही। राइटिंग प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना बढ़िया है। बाकी जो 23 के 23 टॉपिक हैं इसमें आप 23 के 23 जो टॉपिक हैं यहाँ पे, इनको आप अलग से ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। और हर टॉपिक के आपके पास कम से कम शॉर्ट नोट जरूर होने चाहिए, उसमें कीवर्ड्स लिखे होने चाहिए, ठीक है। कीवर्ड्स क्या होता है उसको भी मैं आगे बताते रहूँगे। जैसे मैंने बताया था एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में पूरा डिफरेंस बताया था, अब उसको याद करने की ट्रिक भी बताई थी, तो इनको आप याद रखेंगे तो ये कीवर्ड्स होते हैं, मतलब इनको किसी ना किसी तरह या तो एसे में या फिर किसी आंसर राइटिंग में कहीं ना कहीं किसी क्रिएटिव तरीके से उसको घुसाइए आंसर में। तो ये सब जो है वो, मतलब पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के बारे में हमको सोचना चाहिए, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं से आपको करना है यहाँ पे। बाकी ये जो दो चीज़ें हैं लास्ट की, ये तो यूपी जीके की जो मैंने बुक बताई उससे हो जाएगा आराम से। जो लास्ट में ये यूपी वाला है ये तो मैं खुद करा ही दूंगा पूरा वीडियो, और जो करंट वाला है ये हम कर ही रहे हैं ये। अब एक बात और है कि जैसे करंट अफेयर का जो मंथली वाला रहेगा वो थोड़ा डिटेल में मैं बताया करूँगा, अभी तक भी मैं डिटेल में ही बताता था, लेकिन अब PRS इंडिया की भी समरी में दिया करूँगा और करीबन ये दूंगा। पहले जो पुराने वाला है वो कवर करेंगे हम लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है PRS इंडिया की समरी, ये वाले GS2 के पेपर के लिए। बाकी जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो मैं क्वेश्चंस आपसे शेयर कर दिया करूँगा यहाँ पे। आप लोग भी चाहें, जो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है पेड ग्रुप का, वो आप कमेंट करके दे दिएगा जवाब, मुझे पर्सनली मत भेजिएगा, मेरे पास बहुत सारे हज़ारों लाखों मैसेज आ रहे हैं इस समय, मैं नहीं रिप्लाई कर पा रहा हूँ। व्हाट्सएप पे प्लीज़ मुझे मैसेज मत करिए, अगर आपको कोई मैसेज देना है तो मेरी ईमेल आईडी पे ही करिए, writingeditingjob@gmail.com, writingeditingjob@gmail.com, ठीक है। और या फिर मुझे जो 7838692618 है यही वाले नंबर पे मेरा टेलीग्राम पे, उस पे मैसेज करिएगा, अगर पेड ग्रुप की क्वेरी चाहिए या फिर कुछ और बात करनी है तो। व्हाट्सएप पे मत करिए, व्हाट्सएप बिल्कुल ब्लॉक्ड है उसमें, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बहुत ट्राई कर चुका हूँ मैं उसमें, व्हाट्सएप में हमारा कोई भी ग्रुप नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ों को आपको ऐसे पढ़ना है, थोड़ा सा होलिस्टिकली पढ़ना पड़ेगा और हर चीज़ों में इन्वॉल्व होकर पढ़ना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा कि हर चीज़ का अगर आपने स्टैटिक नहीं क्लियर किया, इस पूरे सेक्शन को स्टैटिक क्लियर करने के लिए क्या है, लक्ष्मीकांत आपको करना है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, PRS इंडिया की वेबसाइट, और प्लस जो मंथली आपकी करंट अफेयर की समरी है, प्लस जो करंट अफेयर है पिछले 2 सालों का, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको करनी है यहाँ पे, और प्लस जो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मैंने वीडियो बनाया था 2-2.5 घंटे का, वो सब चीज़ें आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। और प्लस उसको करंट के साथ जब आप जोड़ेंगे तब होगा वो स्टैटिक प्लस डायनामिक, और फिर उसमें मेन जो चीज़ है वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, मैं वो जो पेड ग्रुप है उसमें बताता जाऊँगा। वैसे आंसर राइटिंग में ये जरूर है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में अगर मान लीजिए आप कोई बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत मैप ऐप से डिस्क्राइब कर दीजिए कि मान लीजिए कुछ पूछ लिया है, कोई रूट पूछ लिया है कि ऐसे यहाँ से जा रहे हैं, ये वाली ट्रेड रूट जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जितने भी जो जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप यहाँ पे जो इंटरनेशनल जितने भी इंडिया का जो रोल है उसमें क्या है, मल्टी फेसेटेड, ठीक है, और प्लस 360 डिग्री एनालिसिस करनी होगी, हर चीज़ को सोचना समझना जरूर पड़ेगा,
फैक्ट के साथ। तो ये है पूरी GS2 की स्ट्रेटजी। GS1 का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और एक मैंने पूरा वीडियो बनाया था उसमें पूरे पेपर की ही मेंस की स्ट्रेटजी बनाई थी, फिर भी मैं अलग से पूरी पूरी बना रहा हूँ ताकि आपको पूरा एक और भी मिले। और हालांकि ये जरूर है कि UPPSC का मेंस का सिलेबस UPSC से कहीं ज़्यादा है, ठीक है। और अब पहली बार ये हो रहा है तो मॉडल पेपर जब तक नहीं आएगा तब तक ये तो कन्फ्यूज़न बना रहेगा कि UPPSC जो है वो किस साइड जाएगा, या तो UPSC की तरह पेपर बनाएगा कि स्टेट PCS वाली राह पे जाएगा। तो ये दो चीज़ें हैं। अब बाकी जो लोगों ने मेंस में आंसर राइटिंग की है उनके आंसर मिल जाएंगे, उनको फीडबैक दे दिया जाएगा और आंसर राइटिंग में जो जो चीज़ें और भी हैं वो सब मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। एक बात और बता दूँ, जो भी हमारे साथ यहाँ पे मान लीजिए पीरियड ग्रुप में नहीं भी जुड़ पा रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें जितने भी टॉपिक हैं वो लक्ष्मीकांत वाले हैं, मैं ऑलरेडी ज़्यादा से ज़्यादा ये कवर कर चुका हूँ। आप मेरी लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट उठाइए, पूरी देख डालिए या फिर बुक पढ़ लीजिए। और बाकी जितने भी जो बचे हुए हैं सारे के सारे वीडियोज़ दूंगा मैं। मेंस में अभी बहुत टाइम है, ठीक है, मेंस अभी इतनी जल्दी नहीं होगा, 5-6 महीने तो है ही आराम से आपके पास, 5-6 महीने में आराम से सब कुछ हो जाएगा। ऑल द बेस्ट है, कोई और डाउट हो तो यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मेरा ये मैं दिखा रहा हूँ ये टेलीग्राम, ये वाला ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए जो ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है। क्योंकि कई बार जो है हमारे नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, तब कम से कम यहाँ पे आपको ये तो पता चल जाएगा कि हमने कौन सा वीडियो बनाया है, वरना आपको ऐसे भी नहीं पता चल पाएगा। YouTube नोटिफिकेशन नहीं देता है, इसलिए आप इसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ये वाला ग्रुप जो है।